महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की गठबंधन सरकार के मुख्य पार्टी शिवसेना भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन से काफी खुश है। अयोध्या में अब आधिकारिक तौर पर भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। इस पर शिवसेना को पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे की याद आ गई, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण की लड़ाई में अहम योगदान दिया था। जब अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखती देखी गई तो शिवसेना ने भी कहा कि आज पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे का सपना भी पूरा हो गया है। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने ट्वीट कर खुद के हिंदू होने पर गर्व की बात कही है। उन्होंने एक ग्राफिक शेयर किया है जिसमें एक मंदिर दिखाया गया है जिस पर श्री राम और गर्व के साथ कहो कि हम हिंदू हैं ये लिखा हुआ है। एनसीपी जो शिवसेना के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के घटक दलों में शामिल है ने कहा कि यह समारोह सभी के लिए खुशी की बात है और भगवान राम भारतीयों के देवता हैं। एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल के मुताबिक हमेशा सांगली जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र में भगवान राम के मंदिर में पूजा करते हैं। आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया जा रहा है, ये हम सभी के लिए खुशी की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हमेशा से भारतीयों के देवता हैं। इस खास मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी एक बयान जारी कर कहा, निर्माण की शुरुआत स्वतंत्र भारत के सबसे शुभ दिनों में से एक। राज ठाकरे ने इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किए गए प्रयासों की भी सराहना की। कहा कि ये दिन आजाद भारत के इतिहास में सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयास उल्लेखनीय रहे, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ।